ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो ये डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है क्योंकि आज भी इसको एक तरफ भारतीय दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा है, भारत का मुलाविस होना बताया जा रहा है, कोई कहता है सीपैक और सबोटाज करने की कोशिश है, कोई कहता है कि दहशतगर्दी है, तो कोई कहता है ये नाराज बलोच हैं। तो ये तो डिफ्रेंशिएट करें क्योंकि नाराज बलोचों को तो मनाया जा सकता है, लेकिन दहशतगर्दों से कैसे बात करें जो लोगों को बसों से उतार उतार कर शनाख्ती कार्ड देख कर मारे, उनसे बात कैसे करें? तो ये कब डिफ्रेंशिएट होगा जब ऐसे वाकयात होते हैं? हम हमेशा ऐसे डिबेट करते हैं, बात करते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजी खुलकर सामने नहीं आती। शाजिया देखें, बड़ी क्लियर है और इस पे रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, एवरीबॉडी इज वेरी क्लियर। जो रियासत पाकिस्तान पाकिस्तानी, आई वुड नॉट से कि बलोच, पंजाबी, सिंधी, पठान, नो, पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानियों के खिलाफ बंदूक उठाता है, मासूम लोगों को मारता और शहीद करता है और उसके बाद दहशतगर्दी करता है, पाकिस्तान के आईन कानून को नहीं मानता, नाउ ही इज अ टेररिस्ट। हमारे जो नाराज भाई हैं जो पाकिस्तान के आईन और कानून को मानते हैं, उनके तहफ्फुज़ात हैं, बिल्कुल जायज़ है, होने चाहिए, हर पाकिस्तान के तहफ्फुज़ात हो सकते हैं और वो नाराजगी का इजहार करते हैं लेकिन कोई वायलेंस नहीं करते हैं, अपने किसी पाकिस्तानी को मारते नहीं हैं या बंदूक नहीं उठाते हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ, उनके साथ हम हर वक्त करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, उनके तहफ्फुज़ात भी दूर करने चाहिए, यहाँ तक कि उनके जब भी कोई डिसीजन लेने हो इस्लामाबाद से, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या फेडरल मिनिस्टर, एवरीबॉडी शुड गो टू बलूचिस्तान, वहाँ की हुकूमत से मिलें, अपनी नेशनल पार्टीज के लीडर से मिलें, उनके तहफ्फुज़ात दूर करें, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन कोई जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है या हमारे दुश्मन के साथ मिलता है या उसके साथ मिलकर अपने पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचाता है या रियासत के खिलाफ खड़ा होता है या आईन कानून के खिलाफ करता है, कोई माफी नहीं है। और इसलिए मैं ये जो आप बात कर रहे हैं मारिन बलोच की, देखें अफसोस की बात है कि मारिन बलोच को मिसिंग पर्सन की तो हर वक्त ख्याल रहती है, वो मिसिंग पर्सन जो ईरान में ड्रोन पाकिस्तान मारता है तो वहां पर जो मारे जाते हैं वो टेररिस्ट, वो मिसिंग पर्सन होते हैं। अगर गवादर पोर्ट अथॉरिटी में दो नौजवान मारे जाते हैं और फिर पता चले उनकी बहन क्लेम करती है कि जी हमारे मिसिंग पर्सन है, जा अभी आपके सामने ये जो वाकया हुआ है, आप इसको इस एंगल से भी देखते हैं कि जो नाराज हैं वो फिर अस्करियत पसंदी की तरफ मायल होते हैं क्योंकि उनकी आवाज सुनी नहीं जाती है, उनके हुकूक पर कोई बात नहीं करता है, क्या आप उसको इसको इस एंगल से भी देखते हैं? नहीं शादिया देखें, ये वो लोग हैं जो BLA और BLF में या BNA में एनरोल हुए हैं एज टेररिस्ट, ये उनके साथ मिले हुए हैं ये और शो ये करते हैं कि ये मिसिंग पर्सन है और इनके पेरेंट्स को भी पता है कि ये मिसिंग पर्सन है। हर दफा जो पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, उनमें ये ज्यादातर निकलते हैं। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर लोग सारे की मर्दी से हॉस्टाइल एजेंसी से मिलके, रॉक के साथ मिलके, इंडिया के साथ मिलके, BLA BLF को मिलके, उनकी ट्रेनिंग अफगानिस्तान में होती है, वहां से जब पाकिस्तान आते हैं फिर अक्सर ही मारे जाते हैं, फिर वो पश्चिम करते क्लियर हो जाते हैं। इसलिए हमारे कोर्ट्स को और हमारी आवाम को बड़ी क्लियर पता होना चाहिए कि ये मिसिंग पर्सन नहीं है, ये टेररिस्ट हैं जो मारे जाते हैं, और कोर्ट्स को भी इस मामले में समझना चाहिए और अकॉर्डिंग फैसला करना चाहिए। मारियंग बलोक जैसी खवातीन को जो दुश्मन के साथ मिली हुई हैं और बलोचिस्तान में इंतजार फैलाना चाहती हैं, अब देखिए ना, पढ़े लिखे नौजवानों का, लड़कियों का इस तरफ माइल होना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है रियासत के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, बलोचियों के लिए बहुत बड़ी इज्जत है खवातीन की, मुझे पता है हमारे पश्तून भाई इनके लिए, आप सोचेंगे ये कितना घिनौना खेल खेला जा रहा है कि वो अब लड़के इनको ज्यादा मिल नहीं रहे हैं, उनको समझ आ गई है, वो उनको वो मेन धारे में आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके सामने जब सर ये जो एक दो लोग पकड़े गए और उन्होंने कहा जी हमने बड़ी गलती की, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, हम आज अपनी फैमिली के साथ हैं, हमारे बच्चों को तालीम होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी में तालीम होनी चाहिए, फौज क्या कुछ कर रही है, इशू ये है कि ये वरगलाया जा रहा है, बलूचिस्तान में अमन क्यों नहीं होने दिया जाता, इंडिया को क्यों खलता है, इसलिए कि देखें यहाँ अगर बलूचिस्तान में अमन हो जाएगा, अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो बलूचिस्तान में अमन होगा, बलूचिस्तान में अमन होगा तो सीपैक बन जाएगा, सीपैक बनेगा तो ग्वादर पेट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, इससे हमारे लिए दुनिया की राहें सेंट्रल एशिया, चाइना, ईरान, रशिया के रास्ते खुल जाएंगे,
मिडल ईस्ट के लिए और अफ्रीका के लिए बहुत बड़ा पाकिस्तान इकोनॉमिक जम मिलेगा। पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करके अपने फैसले अपने मुल्क के मुतक के मफाद में करेगा। ये IMF वर्ल्ड बैंक और ये इंडियन जैसे दुश्मनों को नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन जो हमला हुआ 26 अगस्त की रात को नवाब अकबर बुगटी की बरसी वाले दिन जो दहशतगर्दों ने हमला किया, तो ये तो ताने बाने तो फिर सारे वहीं से मिलते हैं ना, उन्हीं लोगों ने किया जो नवाब अकबर बुगटी के ऑपरेशन के खिलाफ थे। ये तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। और अभी मैंने जनरल मुशर्रफ की वो जो उन्होंने उस वक्त बातें की थी, वो कहते हैं बिल्कुल वो गलती नहीं थी, अगर मुस्तकबिल में भी ऐसा हुआ तो ऐसे और ऑपरेशन करने पड़े तो हम इनको कुछ लेंगे। तो हल फिर ये कोई नाराज तो नहीं है, तो फिर दहशतगर्द ही है ना शादी है, ये सब दहशतगर्द। मैंने यही कहा दहशतगर्दों से जो पाकिस्तान की मुसल्ला फौज पाकिस्तानी को शहीद करते हैं, पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ बात करते हैं, दुश्मन के एजेंट्स जूनियर या रॉक साथ मिलके उनसे पैसा लेके अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये मोहब्बे वतन नहीं है, ये पाकिस्तान टेररिस्ट है। नाराज बलोचों से बात करनी है। देखिए हमारे ये तो 0.5% में नहीं है, बाकी जो आपकी नेशनलिस्ट पार्टी है डॉक्टर मालिक जैसे लोग हैं और जितनी पार्टियां हैं। सरदार अख्तर मेंगल को बुलाया गया कल, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, वो तो नहीं गए एपेक्स के मीटिंग में। देखिए यही अफसोस है ना, यही तो अफसोस है कि आप बैठेंगे नहीं तो कैसे मुलाकात, जब आपके प्राइम मिनिस्टर चल के गया है, इंटीरियर मिनिस्टर गया है, चीफ आर्मी स्टाफ गए हैं, इट वॉज अ डिसीजन मेकिंग फोरम, आपको यहाँ जाके अपने तहफ़ुज़ात बताने, ये बच्चों की तरह नाराज की बात नहीं होती है, ये मुल्क की सलामती बका की बात है, इसलिए सबको वहां जाना चाहिए था, बैठ के 10 अपने गिले चिपके करें, 20 तहफ़ुज़ात दें, बट प्लीज टेल पीपल कि आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं बलोचिस्तान में तरक्की ना हो, बलोचिस्तान के अवाम को हेल्थ ना मिले, हॉस्पिटल ना हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ना हो, इंडस्ट्री ना लगे, लोगों को रोजगार ना मिले, क्या आप ये चाहते हैं कि वो इसी तरह बैठे रहे? दे वांट टू कम टू द मेन स्ट्रीम। जितने बाहर से जो लोग आना चाहते हैं, जो आईन कानून को मानते हो, पाकिस्तान उनकी माँ है, हमारी रियासत उनकी माँ है, माँ आप कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ती, याद रखें, ये मेरा यकीन बिलीफ है।